हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। तो आज आपके लिए लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की समरी लाए हैं। लास्ट तक चैनल पे बने रहें और भी मैटर मिलता रहेगा, कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे समरी पूरी लिखी पड़ी है, मैं आपको हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन कर देता हूँ कि वॉर चल रही होती है, युद्ध चल रहा होता है। तो युद्ध में क्या होता है कि कुछ बॉयज को एक प्लेन से ले जाया जाता है और कहीं पे एक ट्रॉपिकल आइलैंड पे गिरा दिया जाता है जहाँ पे लोग नहीं रह रहे होते। तो उसमें दो लोग होते हैं, एक का नाम होता है राल्फ और एक का नाम होता है पिगी। डिस्कवर ए कॉन्च शेल ऑन द बीच एंड पिगी रियलाइजेस इट कुड बी यूज्ड ए हॉर्न टू समन द अदर बॉयज। तो ये जो पिगी होता है, ये क्या है, ये खोजता है एक शेल, मतलब कि एक जगह बीच के किनारे जहाँ पे सभी लोगों को रखा जा सकता है। वंस असेंबल्ड द बॉयज सेट अबाउट इलेक्टिंग ए लीडर एंड डाइवर्सिंग ए वे टू बी रेस्क्यूड। अब क्या होता है कि उन सभी बच्चों को इकट्ठा करके उनका एक लीडर चुना जाएगा जो कि उनकी रक्षा करेगा। तो वो सारे किसको चुनते हैं, राल्फ को चुनते हैं। राल्फ अपॉइंट अनदर बॉय जैक टू बी इन चार्ज द बॉयज हु विल बी हंट फॉर फूड। अब खाने के लिए वो जैक को चुन लेता है। उसके बाद में राल्फ, जैक और अनदर बॉय जो सिमोन है, सेट ऑफ एन एक्सपेडिशन टू एक्सप्लोर द आइलैंड। तो तीनों के तीनों क्या है, घूमने निकलते हैं, आइलैंड को डिस्कवर करने के लिए निकलते हैं। व्हेन दे रिटर्न, जब वो वापस आता है तो राल्फ डिक्लेयर दैट दे मस्ट लाइट ए सिग्नल फायर टू अट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ पासिंग शिप्स। अब वो कहता है कि मैं लाइट जगाऊंगा जिससे क्या है कि शिप्स वाले लोगों को पता लग जाएगा। द बॉय सक्सीड इन इग्निटिंग सम वुड बाय फोक्सिंग सनलाइट थ्रू द लेंसेज ऑफ पिगीज आई ग्लासेस। अब वो पिगी के जो आई ग्लासेस होते हैं, चश्मा होता है, उसको तोड़ के उसको जला के रोशनी कर रहा होता है। तो इतने में क्या होता है कि वहां पे एक ऊपर से इंसान नीचे गिरता है। ए लार्ज स्वैथ ऑफ डेड वुड बर्न्स आउट ऑफ कंट्रोल एंड वन ऑफ द यंगेस्ट बॉय इन ग्रुप पर डिसअपीयर असेंबली हैविंग बर्न टू डेथ। अब इसमें क्या है, एक इंसान, एक बच्चा उसमें से कहीं गुम जाता है जो कि सबसे कम उम्र का होता है, संभवतः वह जलकर मर गया होगा। एट फर्स्ट द बॉय एंजॉय लाइफ विदाउट ग्रोन अप एंड स्पेंड मच ऑफ देयर टाइम स्प्लैशिंग इन द वाटर एंड प्लेइंग गेम्स। अब वो जो ज्यादा लोग है वो जीवन का आनंद लेते हैं पानी में छिट्टे मार के और खेल खेल के। तो राल्फ हाउएवर कंप्लेन दैट दे शुड बी मेंटेनिंग द सिग्नल फायर एंड बिल्डिंग हट्स फॉर शेल्टर। अब वो कहता है कि भाई रहने रोने के लिए जगह तो बनाओ और सिग्नल देते रहो ताकि कोई अपने को बचा पाए। द हंटर फेल इन द अटेम्प्ट टू कैच ए वाइल्ड पिग बट देयर लीडर जैक बिकम इंक्रीजिंग ऑक्यूपाइड विद एक्ट ऑफ हंटिंग। तो जो जैक होता है वो शिकार के कार्य में तेजी से व्यस्त हो जाता है क्योंकि उनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल पा रहा होता। उसके बाद में क्या होता है, व्हेन ए शिप पासिस बाय होरिजन वन डे, एक बार शिप वहां से गुजरता है तो क्या होता है, राल्फ और पिगी आतंक को नोटिस करते हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो हंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उसे जलाए रखें आग को। फ्यूरियस राल्फ अक्रोट्स जैक बट द हंटर हैड जस्ट रिटर्न विद द फर्स्ट किल। अब हंटर को एक जानवर को मार देते हैं जो कि उनके खाने का नाश्ता हो जाता है। तो पिगी क्रिटिसाइज जैक हु इट्स पिगी अक्रॉस द फेस। जैक ने पिगी को एक बार मारा होता है। तो राल्फ ब्लोज द कंच शेल एंड रेप्रीमेंड्स द बॉयज इन ए स्पीच इंटेंट टू रिस्टोर ऑर्डर। अब वो वापस एक ऑर्डर क्या देता है, एट द मीटिंग इट क्विकली बिकम्स क्लियर द सम ऑफ द बॉयज हैव स्टार्टेड टू बिकम अफ्रेड। कुछ लोग क्या, कुछ लड़के वहाँ पे डरने लग जाते हैं और वहाँ पे उनको रात में जो भूतों की कहानियां उसके बारे में बताते हैं कि इस तरह से कुछ भी हो सकता है हमारे साथ। द ओल्डर बॉयज ट्राई टू कन्विंस द अदर टू मीटिंग टू थिंक रेशनली आस्किंग वेयर सच ए मॉन्स्टर कुड पॉसिबली हाइड ड्यूरिंग द डे टाइम। अब वो कहता है कि दिन के समय में कोई भी मोस्टर वहाँ पे छुप कर रहेगा और रात के समय में बाहर आ सकता है। वन ऑफ द लिटल सजेस्ट दैट इट हाइड इन ए सी। अब वो कहता है कि भाई समुद्र के अंदर भी हो सकता है तो हमें सावधान रहना चाहिए, ग्रुप में रहना चाहिए। नॉट लॉन्ग आफ्टर द मीटिंग सम मिलिट्री प्लेन्स एंगेज इन ए बैटल हाई अबव द आईलैंड। अब वहाँ से क्या है, एक विमान गुजरता है नीचे, फिर वहाँ पे क्या है, वो बच्चे सो रहे होते हैं फ्लैश लाइट जगा के, तो ऊपर से एक नीचे कोई चीज आके गिर जाती है और वो मर जाता है। सैम एंड एरिक द ट्विंस रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉचिंग फॉर द फायर एट नाइट। तो सैम और फ्रिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लाइट को जगने दिया जाए ताकि उनको बचाया जा सके।
व्हेन ट्विंस वेक अप, जैसे वो उड़ते हैं, दे सी द एनॉर्मस शर्ट ऑफ हिज पैराशूट एंड हियर द स्ट्रेंज फ्लैपिंग नॉइज, इट मेक्स थिंकिंग द आइलैंड बीस्ट इज एट हैंड। तो उसको ऐसा लगता है कि कोई पैराशूट, यहाँ से पैराशूट देखते हैं, अजीब फटफटाने की आवाज आती है, तो उसको ये लगता है कि द्वीप का जानवर हाथ में है, वे आतंक शिविर में वापस आ सकते हैं, और रिपोर्ट करते हैं कि जानवर ने उन पर हमला किया। उन्हें ऐसा लगता है कि किसी जानवर ने उन पर हमला किया। तो बॉय ऑर्गेनाइज ए हंटिंग एक्सपेडिशन टू सर्च ए मॉन्स्टर जैक राल्फ हु आर इंक्रीजिंगली एट ओट्स ट्रैवल अप द माउंटेन्स, और वो क्या है, माउंटेन्स को चढ़ रहे होते हैं और मॉन्स्टर को ढूंढ रहे होते हैं कहाँ पे है। दे सी द शियोल्ट ऑफ द पैराशूट फ्रॉम ए डिस्टेंस एंड थिंक दैट इट लुक लाइक ए ह्यूज, तो वो बहुत बड़ा पैराशूट होता है। द ग्रुप होल्ड ए मीटिंग एट विच जैक एंड राल्फ टेल अदर ऑफ साइटिंग जैक सेज राल्फ इज कवर्ड। तो यहाँ पे क्या है, जैक राल्फ को कहता है कि भाई तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे में इतनी ताकत नहीं है, तू अपनी पोस्ट छोड़ दे। और फिर से वापस से वोटिंग कराते हैं, तो उसमें वापस से राल्फ को ही ले लिया जाता है, जबकि जैक को ये लगता है कि ये मुझे अपना नेता चुनेंगे या मुझे लीडर मानेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे कोई भी टास्क इनका एंड नहीं हो पाता। मोस्ट ऑफ देम हैव स्लिप्ड अवे टू जॉइन जैक, और कुछ लोग क्या, जैक कहता है मैं छोड़ के जा रहा हूँ, तो जैक के साथ वो चले जाते हैं। जैक डिक्लेयर द लीडर ऑफ न्यू ट्राइब ऑफ हंटर एंड ऑर्गेनाइज हंट एंड वायलेंट, वो अलग से जाके अपना खाना पानी स्टार्ट कर लेता है। तो इतने में क्या होता है, यहाँ पे अभी हिंदी में चल लेते हैं अपने, बाद में उन्हें क्या है कि एक वो जानवर को मार के खा जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, उसकी गर्दन को एक डंडे को पटांग देते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आती है, तो सिमोन वहाँ पे आ जाता है। तो जैसे ही सिमोन वहाँ पे आता है, तो सिमोन बेहोश हो जाता है, और जब वो उड़ता है तो वो अपने आप को पहाड़ पे पाता है जहाँ पे मृत पैराशूट को देखा गया था। तो इतने में क्या होता है, वो साइमन दूसरों को यह बताने के लिए समुद्र तट की यात्रा करता है, तो उसने क्या देखा, ये सारी चीज़ें राल्फ और पिगी को बताने के लिए आता है। तो जैक दावत में शामिल हो गए हैं। जब वे साइमन के छायादर आकृति को जंगल से निकलते हुए देखते हैं, तो वे उस पर टूट पड़ते हैं और नंगे हाथों और दांतों से मार डालते हैं। अब ये किसको मारा है, साइमन को मार दिया, ठीक है। अगले दिन क्या होता है, राल्फ और पिगी डिस्कस करते हैं कि हम देख के आते हैं कि कौन क्या कर रहा है। तो ये जैक जो हंटर होता है, वो राल्फ और पिगी के ऊपर हमला कर देता है, पिगी को तो वो मार देते हैं, बट राल्फ बच जाता है। और राल्फ क्या है, एक दिन जाके एक इंसान से टकराता है जिसका नाम होता है रोजर। तो रोजर ये शिपमैन होता है, तो उसको पता लग जाता है कि हाँ, हमें बचाने के लिए अब कोई इंसान तो है, और वो फिर अपनी शिप की तरफ देखता है, और लास्ट में क्या है, वो बच जाते हैं। यही इसकी एंड की स्टोरी है। वहाँ पे एक ब्रिटिश, हम कह सकते हैं शिपमैन होता है, लीडर होता है वहाँ का शिप का, तो वो जैसे ही वहाँ पे आता है, तो उसको पता लग जाता है कि ये यहाँ पे आया हुआ है, ये साइट ऑफ ऑफिसर। तो ऑफिसर उसे रेस्क्यू कर लेता है, सभी बच्चों को अपने साथ ले आता है, सारे खुश हो जाते हैं कि हमें बचाने के लिए कोई तो आया। तो ये है वीडियो कंप्लीट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।